सबसे पहले तो गाइज मैं आप लोगों से सॉरी मांगना चाहूँगा कि आज मैंने इतने सारे दिनों में वीडियो अपलोड करी है, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ मेडिकल कंडीशंस हो गई थी, तो मैं आपसे सॉरी मांगना चाहूँगा। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी मूवी को कवर करने वाले हैं जिसमें कि एक बूढ़े आदमी को एक जवान शादीशुदा लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे गपागप करने के चक्कर में क्या क्या यहाँ पर खेल खेलता है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग मार्टिन नाम के एक बेकर को देखते हैं जो कि फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक बेकरी चलाता था अपने डैड की। वो बेसिकली लंदन से था और यहाँ पर फ्रांस में अपनी वाइफ के साथ रहता था। यहाँ पर जो मार्टिन था वो कुछ ब्रेड्स को जला देता है, तो उसकी वाइफ उसे पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो। तो मार्टिन उससे कहता है मैं चार्ली के लिए परेशान हूँ। अब हमें यहाँ पर चार्ली दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ की डायरीज को जला रहा होता है। तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो चार्ली उसका जवाब दिए बिना जवाब दिए अपने घर के अंदर चला जाता है और मार्टिन उसकी एक डायरी को लेकर अपने घर वापस आ जाता है और वो रात को उस एक डायरी को पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ से दोस्तों जो हमें यहाँ से एक फास्ट फॉरवर्ड करके जो सीन था, हमें फिर से पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ से इस मूवी की मेन शुरुआत होती है। यहाँ पर हम देखते हैं चार्ली और जैमा को जो कि यहाँ पर मार्टिन के रिलेटिव में पहली बार आए हुए थे। तो हमें यहाँ पर जो मार्टिन था वो उनका हालचाल पूछने के लिए उनके पास जाता है और अगले ही दिन जैमा चार्ली मार्टिन की शॉप पर आते हैं ब्रेड्स लेने, जहाँ पर मार्टिन की नज़र जैमा पर पड़ती है जो कि बहुत खूबसूरत थी। अगले दिन हम लोग जैमा को देखते हैं जो कि एक फ्लावर्स के जो बाग था वहाँ पर घूम रहे होते हैं। मार्टिन उसे वो बाग घुमाता है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो चार्ली था उसके घर की बिजली चली जाती है और वो हेल्प मांगने के लिए यहाँ पर मार्टिन के पास आता है और मार्टिन उसके घर के बिजली को ठीक कर देता है, जिसके बाद चार्ली उसे कुछ वाइन ऑफर करता है। अब यहाँ पर जो मार्टिन था वो उसके ऑफर को नहीं ठुकरा था और वाइन पी रहा होता है और उसका जो सारा ध्यान था वो वाइन में नहीं जैमा के ऊपर था, क्योंकि जैमा बहुत खूबसूरत थी और मार्टिन को उससे प्यार हो गया था। अब अगले दिन जैमा मार्टिन की शॉप पे आती है कुछ ब्रेड्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पर मार्टिन जो होता है वो जैमा से कहता है कि क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं ऐसे ब्यूटीफुल और टेस्टी ब्रेड्स बनाता कैसे हूँ। तो जैमा उसके पीछे पीछे चली जाती है और ब्रेड बनाने की टेक्निक को उससे सीखने लगती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो मार्टिन था वो जैमा को सिखा रहा था और सिखाते सिखाते उसके अंदर इतनी हवस जाग रही थी कि वो उसे किसी तरह से ही कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि जैमा जो थी वो बहुत खूबसूरत थी। अब जैमा को गर्मी लगने लगती है, वो अपने स्वेटर को उतार देती है। यहाँ पर मार्टिन की जो हवस थी वो हाई लेवल पे पहुँच जाती है, बहुत ही 1000 लेवल पे, और वो उसे कंट्रोल कर लेता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जो मार्टिन उसकी वाइफ थी वो जैमा के घर पे थे क्योंकि उनके कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे। जैमा की फ्रेंड उसे एक मशीन के बारे में बताती है जो कि रनिंग मशीन थी, जिससे कि वो इतनी स्लिम थी। अब उस मशीन से मोटिवेट होकर जैमा थी वो भी रनिंग करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब उसे भी पतला होना था। अब रास्ते में उसे यहाँ पर मार्टिन मिलता है, वो उसे पूछता है कि क्या आप इतने दिनों से मेरी शॉप पे नहीं आई ब्रेड्स खरीदने के लिए। तो वो उससे कहते हैं कि अब मैं कैलोरी डेफिशिट हो रही हूँ और मैं कैलोरी को अब छोड़ रही हूँ, जिसके कारण जो मार्टिन था वो उदास हो जाता है। अब कुछ आगे चलते ही हमें जैमा की आवाज़ आती है, जिससे कि एक जो पॉइजनस सांप था वो डस लेता है कमर पे। तो वहाँ पर जो मार्टिन था वो उससे हेल्प करने के लिए आता है और वो जैमा से कहता है कि मुझे चूस कर वो सारा जहर बाहर निकालना होगा, कि क्या तुम तैयार हो। तो यहाँ पर जो मार्टिन था बिना सोचे समझे उस जहर को जैमा की बैक पे से चूसने लगता है, जिससे कि जो जैमा थी वो ठीक होने लगती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हर्फ नाम के एक आदमी को जो कि एकदम से आ जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा होता है। तो मार्टिन उसे एक्सप्लेन कर ही रहा होता है। अब यहाँ पर जो जैमा थी वो दोस्तों बेहोश हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे ये लोग जैमा को एक हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं अपनी कार में बैठा कर। अब डॉक्टर यहाँ पर जैमा का इलाज करने लगते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जैमा बिल्कुल ठीक हो जाती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जैमा थी वो हर्फ से बात कर रही होती। हर्फ से बात करते हुए जो मार्टिन था वो जैमा को देख रहा था और सोच रहा था कि कहीं ये चूतिया उसे पटा ना ले। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हर्फ और जैमा को जो कि एक सुपरमार्केट में मिलते हैं। हर्फ यहाँ पर जैमा को अपनी फेवरेट वाइन के बारे में बता रहा था। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं मार्टिन को जो कि ब्रेड्स की डिलीवरी के लिए जा रहा था, जहाँ पर उसे रास्ते में जैमा मिलती है जो कि हर्फ की फेवरेट वाइन को उसके घर पर लेकर जा रही थी। अब ये सीन दोस्तों आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगले सीन में अब क्या होने वाला है। तो हाँ, तो अब मार्टिन के भी दिमाग में वही सब चलने लगा। अब उसी रात का सीन अब हम लोग देखते हैं जहाँ पर जो जैमा थी उसने मार्टिन को डिनर पर बुलाया हुआ था। हम यहाँ पर देखते हैं जैमा की जो नेक थी उस पर लव बाइट थी, जो कि मार्टिन उसे देख लेता है और उसके लगने लगता है देख कर कि जैमा जो थी उसका तो बॉयफ्रेंड और उसने ये सब क्या कर दिया, उसने तो मेरे सारे अरमानों पे पानी बिखेर दिया। अब इसके बाद डायरेक्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मार्टिन था वो जैमा को बाहर जाते हुए देख रहा था और वो बाहर तो कहाँ जा रही थी, वो यहाँ पर हर्ष के घर जा रही थी उसके साथ गपागप करने के लिए। और ये करते हुए मार्टिन उसे देख लेता है, जिससे कि मार्टिन को पता पड़ता है कि ये किस तरह की लड़की है, अपना पति होते हुए वो दूसरे लड़कों पर मुँह मार रही है। अगले दिन हम सीन में देखते हैं कि जो जैमा थी वो कुछ ब्रेड्स खरीदने के लिए आती है क्योंकि उसका हस्बैंड घर पे नहीं था। अब यहाँ पर वो बताती है कि उसका हस्बैंड घर पे नहीं है, पर वो कुछ ब्रेड्स को यहाँ पर उसी शॉप में भूल जाती है। तो मार्टिन उन ब्रेड्स को उसके घर पे देने जाता है, जहाँ पर वो हर्फ और जैमा को देखता है इंटीमेट होते हुए।
अब यहाँ पर उनके कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी और जयमा हर्फ से कह रही थी आई लव यू। जिन आवाज़ों को सुनकर जो मार्टिन था वो बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा था और उसके सारे अरमान ढीले हो गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो जयमा थी वो हर्फ के घर पर अब डेली जाती थी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए, पर गलती से उससे हर्फ की मॉम की एक फेवरेट जो मूर्ति थी वो टूट जाती है और वो हर्फ से कहता है कि ये मैं अपने पति से ठीक करवा दूंगी। अब यहाँ पर जयमा और हर्फ को देखते हैं जो कि एक दूसरे से कहते हैं हमें भाग जाना चाहिए लंदन और इन सब लोगों से हमें भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पर हर्फ जयमा को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि हमें लंदन जाना है कल। गाइस अब जयमा यहाँ पर कंफर्म करने के लिए हर्फ पे कॉल करती है, पर तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो उससे उस पेंटिंग के बारे में यानी कि उस मूर्ति के बारे में पूछ रही होती है। तो हर्फ उसे कहता है वो मैंने बगल वाले एक अंकल को दिया ठीक करने के लिए। हम देखते हैं जयमा हर्फ के पास जा रही होती है उसके घर में, तभी उसे मैसेज आता है हर्फ का कि अब वो उसके साथ लंदन नहीं जाना चाहता। जिस न्यूज़ को सुनकर जो जयमा थी वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, नाराज हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं हर्फ की मॉम को जो कि चार्ली के पास आता है और उसे पूछती है कि मेरी मूर्ति कहाँ पर है, तो चार्ली उसे मना कर देता है कि मेरे पास आपकी कोई भी मूर्ति नहीं आई है। ये सुनकर हर्फ की मॉम अपने घर वापस चली जाती है और अब हम लोग देखते हैं कि जो जयमा थी वो वहाँ पर अपने चार्ली से कुछ कहना चाहती थी, उस मूर्ति के बारे में बताना चाहती थी, अपने अफेयर के बारे में बताना चाहती थी, पर गए जयमा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पति को ये बता सके। अब यहाँ पर चार्ली को भी जयमा का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था और वो जयमा उसे ठीक से बात नहीं करती थी, तो वो वापस अपने लंदन चला जाता है। और हम लोग मार्टिन को देखते हैं जो कि जयमा के कुत्ते को उसके बाहर मिलता है और वो उसे घर छोड़कर आता है। यहाँ पर जयमा जो थी वो मार्टिन से एक लेटर पढ़वाती है और उसे कहती है कि मुझे इसका रिप्लाई करना है फ्रेंच लैंग्वेज में ही, तो क्या आप करोगे? तो मार्टिन उसे कहता है कि मैं कल तक आपको इसका रिप्लाई लिख के दे दूंगा। तो गाइज अब सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि मूवी में अब पैट्रिक नाम के एक आदमी की एंट्री होती है जो कि जयमा का एक्स बॉयफ्रेंड था, वो यहाँ पर जयमा से बात करने के लिए आया हुआ था। हम देखते हैं जो मार्टिन था वो जयमा को पैट्रिक के साथ देखता है और ये लोग रोड पर ही किस कर रहे थे, जिसे देखकर जो मार्टिन था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। अगले दिन हम लोग पैट्रिक को देखते हैं जो कि जयमा के घर फ्लावर्स लेकर आया हुआ था। अब वो यहाँ पर जयमा के साथ इंटीमेट करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर दोस्तों चार्ली आ जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ देर बाद जयमा के घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और जिसे सुनकर मार्टिन घर के अंदर जाता है तो देखता है कि जयमा मरी हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। वो यहाँ पर जयमा की लाश को हॉस्पिटल ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए और जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें बताते हैं कि जो जयमा थी उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है। यहाँ पर जो मार्टिन था वो उदास था, इस बारे में वो मार्टिन से चार्ली से बात करता है तो चार्ली उसे बताता है कि जयमा की डेथ मेरी वजह से हुई है, क्योंकि जयमा जो थी वो पैट्रिक के साथ इंटीमेट हो रही थी और मैंने उसे देखते हुए पकड़ लिया था और जिससे कि मैंने उसका गला दबा दिया और उसकी डेथ हो गई। पर पैट्रिक यहाँ पर सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं जयमा को ब्रेड का पीस खिला रहा था और मैं उसके नेक पर किस कर रहा था, जिसके कारण वो ब्रेड का पीस उसके गले में अटक गया। पर तभी वहाँ पर पीछे से चार्ली आ गया था जिसने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मुझे पिटाई करने लगा, जिसके कारण हम दोनों तो लड़ने में बिजी हो गए और जयमा की जो डेथ हो गई चोकिंग की वजह से। अब हम यहाँ पर अगले सीन में हम लोग देखते हैं, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मार्टिन के बेटे को देखते हैं जो उसके पास आता है और बताता है कि रशिया से कुछ लोग हमारे पड़ोस में रहने आए हैं। और ये मूवी कुछ इसी तरह से एंड होती है। फिर मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ।